Whoa. No way. हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्रिस हेम्सवर्थ के बारे में। जी हां, हमारे थॉर भैया के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप फैन हैं क्रिस हेम्सवर्थ के, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप 5 बेस्ट मूवीज़ का कलेक्शन ऑफ क्रिस हेम्सवर्थ। और ये सारी मूवीज़ जो हैं नॉन MCU होंगी, यानी कि आपको इसमें क्रिस हेम्सवर्थ कोई भी सुपर हीरो या फिर थॉर के करेक्टर में नहीं दिखेंगे। एक नॉर्मल इंसान या फिर कह सकते हैं एक नॉर्मल ह्यूमन के तौर पर आपको दिखेंगे। और ये सारी मूवी जो है सुपर डुपर हिट है एज़ पर IMDb रेटिंग्स। तो गाइस, अगर आप फैन हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए और वीडियो को इंजॉय कीजिए। और वीडियो इंजॉय करने के बाद आप ये सारी मूवीज़ यूट्यूब पे इंजॉय कर सकते हो, क्योंकि ये सारी मूवी यूट्यूब में फ्री में हिंदी में अवेलेबल है। और इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड हो जाएंगे। तो गाइस, वीडियो पूरा देखिए ताकि आपको पता चल सके कौन सी मूवी कौन से नंबर पे है। नंबर 5, द कैबिन इन द वुड्स। ये मूवी रिलीज हुई थी 2011 में और मूवी बेस्ड है हॉरर एक्टिविटी के ऊपर। और बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को रेटिंग मिली है 7 की आउट ऑफ 10। नंबर 4, स्टार ट्रैक इनटू डार्कनेस। ये मूवी रिलीज हुई थी 2013 में और मूवी बेस्ड है एक्शन एडवेंचर एंड साइंस फिक्शन एक्टिविटी के ऊपर। बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को रेटिंग मिली है 7.7 की आउट ऑफ 10। यू थिंक यू कैन मेक मिस्टेक्स बट द चॉइसेस यू मेक। नंबर 3, वेकेशन। ये मूवी रिलीज हुई थी 2015 में और मूवी बेस्ड है एडवेंचर और कॉमेडी एक्टिविटी के ऊपर। बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को रेटिंग मिली है 6.1 की आउट ऑफ 10। नंबर 2, रेड डाउन। ये मूवी रिलीज हुई थी 2012 में और मूवी बेस्ड है एक्शन और ड्रामा एक्टिविटी के ऊपर। बात करें मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को रेटिंग मिली है 5.4 की आउट ऑफ 10। नंबर 1, रश। ये मूवी रिलीज हुई थी 2013 में और मूवी बेस्ड है एक्शन बायोग्राफी और ड्रामा एक्टिविटी के ऊपर। बात करें मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को रेटिंग मिली है 8.1 की आउट ऑफ 10। गाइस, आज की ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। मुझे पता है मैंने आपको मूवीज़ की स्टोरी के बारे में नहीं बताया, लेकिन अगर गाइस अगर मैं ही आपको स्टोरी के बारे में बता दूंगा तो यार आपका मूवी देखने का जो मज़ा है वो बिल्कुल ही ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो आई होप गाइस आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करना और शेयर करना। गाइस, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। गाइस, मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम और थैंक यू फॉर वॉचिंग।